और ये ढोकले बनके तैयार है फ्रेंड्स, एकदम बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में डालते ही घुल जाने वाले ढोकले। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिक्की स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम के किचन में। फ्रेंड्स यहाँ बेसन ले ली हूँ, और फ्रेंड्स बेसन को छानना बहुत जरूरी है। ढोकले जब आप बना रहे हो तो बेसन नहीं छानेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। यहाँ बेसन में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। साइट्रिक एसिड है फ्रेंड्स, ये पापड़ खार भी बोले जाते हैं। और यहाँ एक चम्मच मैं नमक ले ली हूँ, एक चम्मच से डेढ़ चम्मच जैसा मैं यहाँ शुगर पाउडर ले रही हूँ। शुगर आप ऐसे भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, चीनी, लेकिन अगर चीनी का अगर पाउडर बना लेते हैं तो वो अच्छा लाइट भी आएंगे और स्पॉन्जी बनने में बहुत ही मदद करेंगे फ्रेंड्स। तो आप उसका पाउडर बना लें तुरंत, तो अच्छे से मिक्सर जार में उसको पीस लें और उसके बाद उसको छान लें। सारे इन्ग्रीडियंट्स को मैं यहाँ छान ली हूँ फ्रेंड्स। इसको आप छान के रख सकते हैं, और महीनों तक रख के आप इसको कभी भी आपको बनाना हो ढोकला तो आप इसको तुरंत ही बना सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ इसको अच्छे से मिला लिए हैं, और छानने के बाद सब अच्छे से मिल ही गए हैं फ्रेंड्स। चलिए अब इसमें दूसरे इन्ग्रीडियंट्स डालना, थोड़ी सी चटपटा बनाना है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं यहाँ एक से डेढ़ चम्मच देखिए हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है। इसको आप कद्दूकस कर लें या तो पेस्ट बना लें। तो इसको यहाँ डाल दिए हैं फ्रेंड्स, और अब चलिए यहाँ पानी डाल के इसको अच्छे से घोल बनाते हैं। घोल बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। घोल ऐसा होना चाहिए कि अच्छे से जैसे केक वगैरह सब अच्छे से थिक हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं मोटा नहीं, ताकि वह अच्छे से इसको जब स्टीम करें तो एकदम स्पॉन्जी बनेंगे और बहुत जल्दी ये पक भी जाए। तो ऐसे करके मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ, लगभग एक कप जैसे इसमें आप बेसन लिए हैं तो आधा कप जैसा पानी लग जाएंगे। इसी तरह करके आप मिला लें, और फ्रेंड्स ऐसे करके देखिए मैं मिला ले रही हूँ और अच्छे से मिल गए हैं फ्रेंड्स। देखिए कोई लम्स नहीं पड़े हैं, अगर नहीं छानते हैं तो यहीं लम्स आपको दिखेंगे, क्योंकि बेसन में हवा लग जाते हैं फ्रेंड्स, मतलब आप वो बहुत दिन पिसाए हुए रहते हैं। कभी भी आप देखते हैं कि थोड़ी सी लेट हो जाते हैं, किसी भी आप कंटेनर में रखे हैं फिर भी, तो उसको छान लेते हैं तो अच्छे से वो फाइन हो जाते हैं, नहीं छानते हैं तो लम्स उसमें बने रहते हैं ऐसे घोल लगाने पर। तो ऐसे मैं के छान ली हूँ, और उसके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ देखिए मैं नमक चीनी डाल ली हूँ, उसके बाद यहाँ एक चम्मच दही डाल दिए हैं फ्रेंड्स। अगर मतलब आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप दो चम्मच यहाँ दही डाल दें, और फ्रेंड्स या तो फिर आप नींबू डाल दें फ्रेंड्स, तो उतने ही काम करेंगे। दो चम्मच दही या तो दो चम्मच नींबू डाल के इसको ये सारे इन्ग्रीडियंट इसे मिला लें, और इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी स्मूथ और लाइट हो जाए उसके लिए यहाँ ऑयल डाल रही हूँ। तो एक चम्मच तेल अच्छे से इसमें डाल देना है। तो उससे पहले आप इसको फेंट लें अच्छी तरीके से, देखिए ऐसे हाथ से फेंट लें या तो फिर आप चम्मच वगैरह किसी से भी ऐसे अगर फेंट लेते हैं, स्पॉन्जी बनने का सबसे अच्छा ये ट्रिक है फ्रेंड्स कि आपके ढोकले स्पॉन्जी कैसे बनेंगे। तो देखिए इसको आप फेंटेंगे तो इसके अंदर बबल्स जाएंगे, और बबल्स जाएंगे तो अच्छे से जब एयर ही लेंगे फ्रेंड्स तो अच्छे से वो स्पॉन्जी बनेंगे ही। तो देखिए इसी तरह से मैं यहाँ इसको 5 मिनट तक फेंट ली हूँ, और फेंटने के बाद इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ ऑयल इसमें डाल के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें, और एक ही डायरेक्शन में फेंटना भी है, और एक ही डायरेक्शन में इसको मैं यहाँ तेल ऑयल डाल के इसको छोड़ दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए। और फ्रेंड्स अच्छे से यहाँ फिर से फेंट देंगे इसको 2 से 3 मिनट, और इसको ऐसे जितना आप फेंटेंगे उतना स्पॉन्जी बनेंगे। तो ध्यान रखें इतना तक फेंटे ताकि इसका कलर चेंज होने लगे, वहाँ तक आपको फेंटना है। तो फिर से मैं ऑयल डाल के फिर से इसको लगभग 2 से 3 मिनट फेंट दी हूँ, और फ्रेंड्स इसको आप ढक के छोड़ देंगे। तो इसको आप ढक के अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप तुरंत इसको बना भी सकते हैं, लेकिन अगर ढक के छोड़ देते हैं थोड़ी देर तो इसका देखिए टेक्सचर कलर एकदम बहुत अच्छा एकदम लाइट हो जाते हैं फ्रेंड्स देखने में। फ्रेंड्स को स्टीम करने के लिए यहाँ देखिए मैं एक कोई भी केक टिन ले लें या तो कोई भी बर्तन या थाली गड्ढा जैसा जिसमें थाली हो फ्रेंड्स, उसमें ऑयल को आप ग्रीस कर लें, या तो इस तरह के प्लेट लेके आप उसमें ऑयल लगा दें अच्छी तरीके से। उसके बाद इस बैटर को डाल देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं देखिए एक चम्मच जैसा इनो या तो आप खाने वाले सोडे डाल दें लास्ट में एकदम। इधर पानी भी गर्म होने दे दिए हैं फ्रेंड्स जिसमें स्टीम करना है, और इनो डालने के बाद आप इसको तुरंत ही स्टीम के लिए रख दें।
तो इसके लिए यहाँ एक ही डायरेक्शन में फिर से इसको घुमा लें और एकदम बहुत अच्छे से है बबल्स, बहुत ज़्यादा देर इसको फेंटना भी नहीं है, बस एक मिनट तक इसको अच्छे से मिला लें, ऊपर नीचे मिल जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद चलिए इसको केक टिन में ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेंड्स। और इसको जब सारे को डाल देना है उसके बाद इसको थोड़ी सी टैप कर लेना है ताकि ये मतलब जैसे डाले हैं बैटर एक जगह डाले हैं तो एक जगह ऊंचा है मतलब ज़्यादा मोटा और किनारे किनारे आपको पतला दिखेंगे इसके लिए। और एक और ध्यान दें फ्रेंड्स कि बर्तन थोड़ा बड़ा लें या गड्ढा जिससा लें थोड़ा, कि उसमें डीप से जैसे कि 1 से 1.5 इंच वह खाली रहे, वैसे बर्तन का आप चूज करें स्टीम के लिए, क्योंकि ये जब फूलेंगे तो 1-1.5 इंच ये फूलेंगे फ्रेंड्स। अगर बर्तन आपका छोटा है तो वह कढ़ाई में आप किसी में स्टीम कर रहे हैं तो वो वहाँ गिर जाएंगे और बेकार भी हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब स्टीम होंगे तो ये फूलेंगे ही ऊपर आएंगे बेटर, और उसमें जब गीला रहते हैं तो वो गिर जाएंगे। तो ध्यान दें, यहाँ देखिए पानी भी गर्म होने दे दिया उसके ऊपर, आप कोई कटोरी या तो इस तरह के स्टीन रख दें। उसके बाद ऐसे अगर स्टीन नहीं रखना है फ्रेंड्स तो आप थाली ऐसा लें जैसे कढ़ाई में एकदम ऊपर तक रहे वह अंदर तक नहीं जा रही है। 2 कटोरी पानी लिए हैं क्योंकि यहाँ लगभग हमको 15 से 20 मिनट स्टीम करना है और मीडियम आँच में स्टीम करना है, इसीलिए पानी की मात्रा भी आप देख लें नहीं तो जल जाएंगे नीचे कढ़ाई आपकी। तो यहाँ उसको ढक दिए हैं, तुरंत ही ढक दें क्योंकि तुरंत वो स्टीम होना शुरू हो जाते हैं, आप उसको तुरंत नहीं ढकते हैं तो वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। इसको ढकने के बाद आप ध्यान दें कि उघाड़ें मतलब खोले नहीं तुरंत, तो यहाँ तुरंत मैं ढक दे रही हूँ खाली आपको दिखाने के लिए कि केक टिन में देखिए इतने जगह हैं कि वो जब फूलेंगे तो उसके लिए थोड़ा स्पेस रहना चाहिए। जो चीज़ आप ढक रहे हैं वो भी ऊपर होने चाहिए, उसमें चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान दें कि उसमें जब चिपकेंगे तो वो जब फूलेंगे तो आपके बर्तन में चिपक जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ लगभग 15 से 18 मिनट बाद इसको चेक कर रही हूँ, लगभग 20 मिनट के लगभग, तो एकदम देखिए बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। और टीटी विक से जब मैं इसको किसी भी आप चाकू वगैरह से भी चेक कर सकते हैं, तो एकदम ये देखिए एकदम आपका स्टिक साफ निकले मतलब ये पक गया है। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक के ही ऐसे कढ़ाई में छोड़ दी ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद इसको निकाल के ठंडा होने दें। उसके बाद यहाँ आप इसको निकाल के ऐसे अभी आप खा सकते हैं फ्रेंड्स, या तो फिर इसको चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसमें तड़का लगा लें थोड़ी सी। तो इसको मैं एक प्लेट ढक के ऐसे इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ और दिखाऊँगी। एकदम देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, इतने जालीदार है, और जालीदार तो ऐसा बना पड़ा एकदम बहुत फाइन जाली है इसमें, क्योंकि इतना स्पॉन्जी बना है कि मुँह में डालते ही घुल जाएंगे, इतना स्पॉन्जी देखिए जालीदार एकदम एकदम बहुत ही सॉफ्ट एकदम रूई की तरह ये बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए तैयार है, आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हो, ये तो फिर इसको आप धनिया की चटनी के साथ खा सकते हो फ्रेंड्स, ये तो फिर आप इसको सॉस मतलब इसका जो जूस होता है चलिए उसको बनाते तड़के। तो उसके लिए फ्रेंड्स इसको मैं दिखा रही कितना स्पॉन्जी है, पहले देख लीजिए इतने स्पॉन्जी ये बने हुए हैं कि इसको मैं हाथ से दबा रही हूँ तो एकदम दोनों हाथ देखिए सट गए, और फिर से ये जिसको जब मैं छोड़ी तो ये अपने शेप में आ गए हैं। और मैं यहाँ काट रही हूँ तो इतने अच्छे से ये कट जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है कि कोई चीज़ काट रही हूँ, केक वगैरह सबसे भी बहुत ही सॉफ्ट ये कट गए हैं। हमको चाकू को देखिए बहुत ज़्यादा जोर भी लगाना नहीं पड़ा, आराम से ये कट गए हैं। तो फ्रेंड्स इतने स्पॉन्जी ये बने हुए हैं कि एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सब भी, और आप सबको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए। देखिए कितने स्पॉन्जी है, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स तो बताना ना भूलिएगा। देखिए है ना एकदम बहुत ही लाजवाब ढोकले, और फ्रेंड्स विदाउट लहसुन प्याज का है, बहुत कम समय में ये बनने वाले फ्रेंड्स, और ना ही तो इसमें ऑयल की यूज ज़्यादा होती है ना तो तेल मसाले कोई भी चीज़ एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी कभी भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच में, ये तो फिर आप ऐसे फेस्टिवल सीजन में कभी भी आप लंच में इसे बना के दे सकते हैं गेस्ट को भी और बच्चों को भी अपने फैमिली को भी आप खिला सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए एक बार, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ये तैयार है, आप चलिए तड़का लगाते हैं इसमें। तो तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ कढ़ाई गर्म होने दे दी हूँ, और कढ़ाई गर्म हो जाए उसके बाद मैं यहाँ ऑयल डाल देंगे फ्रेंड्स, और यहाँ ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस 1 चम्मच जैसे 1 से 1.5 चम्मच तेल डालना है। उसके बाद यहाँ तड़के के लिए
मैं राई मतलब ये राई है फ्रेंड्स, और कढ़ी पत्ता देखिए, ये मीठा निम्बी इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, और यहाँ हरी मिर्च। हरी मिर्च आपको तीखा खाना है तो और डाल सकते हैं, मैं यहाँ 2 से 3 डाली हूँ। और इसको बीच में कट लगा दी हूँ, चीरा लगा दी हूँ, ताकि इसका तीखापन भी जाए, और ये अगर इसका तीखापन ये सॉस में जाए, जूस में, जो जूस बना रही हूँ इसमें फ्रेंड्स। और उसके बाद चलिए इसमें पानी डाल दीजिए, तड़क गए हो अच्छे तरीके से राई, उसके बाद इसमें 1 कटोरी में पानी डाल दी हूँ, और बस ये देखिए तैयार है। अब इसको 2 उबाल आने दें, उसके बाद मैं जिस कटोरी से यहाँ बेसन ली हूँ उसी कटोरी से यहाँ पानी डाली हूँ, और उसके बाद यहाँ 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच जैसा चीनी डाल दी हूँ। आपको यहाँ जैसे खाना है, अगर मीठा ज़्यादा खाना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी आप कम भी कर सकते हैं। और ये देखिए तैयार है। अब इसमें तड़का लगाने के लिए गरम, क्योंकि मेरा ढोकला ठंडा हो गया है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इसको बना रही हूँ तड़के को, तो कोई में दोनों में एक मीडियम गरम होना चाहिए बस। बहुत ज़्यादा गरम रहेंगे तो क्या होंगे, जैसे आप इसको डालते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगर थोड़ा सा गरम नहीं रहे दोनों में कोई, तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे अच्छे से। तो ध्यान रखें, ये देखिए मेरा ढोकला तो ठंडा है लेकिन जूस गर्म है, लेकिन उसको अभी भी 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे, अच्छे से वो ठंडा हो जाएंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे। और देखिए, और कढ़ी पत्ते और इसका छोंक लगाए हैं फ्रेंड्स तड़का, तो एकदम बहुत ही टेस्टी ढोकला बन के तैयार है। और कढ़ी पत्ते तीखापन, मीठा, खट्टा सब इसमें है। इसमें आप थोड़ी सी नींबू भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने, अगर बेसन का नहीं बनाना चाहते हैं तो खवान ढोकला जो बोलते किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, वो भी मेरे चैनल में है फ्रेंड्स, आप जाके जरूर देखिए, लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।